एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आ गई हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ बाहर की व्लॉग्स। जी हाँ, सीम पार्क मॉल के पास लगा है फूड फेस्टिवल। सो अगर आप कोलकाता से हम लोग को अचानक पता चल रहा था, वरना हम लोग पूरे अपने सेटअप के साथ आते, राइट? Yes. हाँ, तो इसलिए फोन से ही करना पड़ रहा है, जो भी हो पा रहा है, और वॉइस नहीं आएगा तो इसलिए अब म्यूट में जाएगा वीडियो। अभी हम लोग आप लोग को और भी बहुत सारा स्टॉल्स दिखाएंगे, और आपके जीजू भी यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं अपनी फोन से। जी हाँ, चलो आगे की वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगी और भी बहुत सारा स्टॉल। तो चलो आ जाओ, देखते हैं साथ में। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉल, फर्स्ट विजिट। सो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, कुछ मिठाई की शॉप है, कुछ बिरयानी की, कुछ कबाब की, कुछ ड्रिंक्स की। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे खाने के सामान मिल रहे हैं। अगर आप फूड लवर हो सो आप ज़रूर ट्राई करना इस तरीके की फूड फेस्टिवल फेयर। जी हाँ, यहाँ पर चल रहा है, और आप देख सकते हो एक के यहाँ पर भी बहुत सारे आइटम्स हैं, सब अपने अपने जो भी फेवरेट उनकी प्रोडक्ट्स हैं, और जो भी उनकी न्यू लॉन्च है, कुछ मसाले वगैरह भी थी वो भी ये फेस्टिवल पे लाए थे वो लोग, और उन लोग की रेसिपी खुद की है, सब अलग अलग जगह से सब आए हुए थे। मैं यहाँ पर ट्राई करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप देख सकते हो ये भैया से हम लोग अब बना रहे हैं वर्जिन मोजिटो, बिकॉज हम दोनों की फेवरेट ड्रिंक है वर्जिन मोजिटो। जी हाँ, हम लोग कहीं भी जाते हैं, रेस्टोरेंट जाए या कहीं भी जाए, स्ट्रीट साइड जाए, वर्जिन मोजिटो बहुत पसंद करते हैं हम लोग दोनों पीना। तो ये भैया इस तरह से बना रहे थे बिल्कुल प्रोफेशनल वे से, और आप देख सकते हो इनका सेटअप कितना कलरफुल, कितना अच्छा इनका सेटअप है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, और इसलिए मैं ये वाला एकदम परफेक्ट शॉट करके आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल, अच्छे कैफे वगैरह पे जैसे बनाते उसी तरह से बना के दिए, और मिनट या वन मिनट के अंदर ही बना के इन भैया ने मुझे दे दिया था। एंड ट्रस्ट मी, ये आप ज़रूर ट्राई करना अगर आप कोलकाता से हो, और अगर आप फूड फेस्टिवल जा रहे हो मेरे जैसे। एक बार फिर से बोलते हैं, इन सातों आउटलेट्स पे आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा अगर आप 10 रुपए का कूपन खरीदते हैं। म्यूजिक देख लेने के बाद हम लोग फिर से बहुत सारे स्टॉल के इस तरह से कैप्चर किए, लाइक देख सकते हो पापी चाट, डोसा, मोमो, कटलेट, फिश शॉप, दीघा स्पेशल फूड, सब जो भी स्पेशल फूड्स आइटम्स है हमारी कोलकाता की यहाँ पर लगी हुई थी। एंड ट्रस्ट मी यार, यहाँ जाना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, और अब देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी टॉयज़ की भी सेक्शन थी जो हमेशा लगे रहती है सीम पार्क मॉल के पास। तो इसको मैं अलग से भी इसलिए आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, बिकॉज अगर आप टॉय लवर हो लाइक मी, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप यहाँ पर से जाके रिजनेबल प्राइस पे ले सकते हो। बट आपको बार्गिन बहुत करना पड़ता है। जी हाँ, सीम पार्क के पास अगर आप जा रहे हैं सीम पार्क मॉल के पास, तो वहाँ पर आपको टॉयज़ की हर एक वैरायटी मिल जाएंगी। ये थोड़ा डिफरेंट थी, बाकी सब पिंक पिंक में था, तो इस बार इसलिए हम लोग ने येलो कलर का लिया। क्या बोल रहे, बोलो ना।
बना देंगे बाद में। उसका कुछ क्वालिटी इश्यू लगा था हम लोगों को और तो इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया और अभी आगे चल रहे हैं हम लोग, तो दिखाएंगे आपको अगर कुछ हम लोग लेंगे तो। अंकल थे इस तरह सा, इनके पास डस्टर वगैरह था, फिर होम क्लीन करने की बहुत सारी ब्रशेस थी और यहाँ पर हम लोग मोर पंख बोलते हैं जो हिंदी में पिकॉक की ये फेदर वाली पार्ट है, ये ले रहे थे। मेरे हस्बैंड का कहना है कि ये लेने से घर पे लिजर्ड नहीं आती, वैसे तो लिजर्ड नहीं है बट लिजर्ड से मुझे बहुत डर लगता है पर्सनली। इसके बाद ये बगल में गोले वाले भैया थे, गोला इनके पास बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शन था एंड देखो गोले भैया भैया देख के मुझे हंस रहे कि ये लड़की करके आ रही है आखिर मोर पंख के साथ राइट। और यहाँ पर स्टार्ट हो गया मेरा हस्बैंड का कुछ फोटोशूट, कुछ वीडियोज मेरा लेना, बहुत अच्छे अच्छे हम लोगों ने क्लिक किया है जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम लोग इंस्टाग्राम पे। जी हाँ, सो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, उसे फॉलो करना पड़ेगा। ट्राइंग प्यारे कबाब और देखते हैं उसमें से वो क्या लाते हैं, फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और ये यहाँ से लिया जा रहा है, आप देख सकते हो दिस से, तो वहाँ से आ जाता है फिर आप लोगों को मैं बताऊंगी। एंड आज ही वीडियो एडिट कर दूंगी मैं, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पता नहीं ये कब तक रहेगा, मैं डिटेल्स पूरा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी घर जाते ही, अभी मुझे पता नहीं है फिलहाल, उसके बाद आप लोग भी विजिट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए अभी मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, पहले कबाब आ जाता है फिर आप लोगों के साथ मैं बातें करूंगी। सो ये रहा प्यारे कबाब वाले सेक्शन और इनका सेटअप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सेटअप बनाया था, हाइजीनिक तरीके से सब लोग इनके बना रहे थे, अलग अलग डिवाइड कर दिए थे। यहाँ पर बन रहा है प्यारे कबाब, अब प्लीज़ आप लोग ये मत बोलना कि ये लोग हैंड ग्लव क्यों नहीं पहनते हैं, कोलकाता के लोग या इंडिया के लोग हैंड ग्लव पहनकर काम क्यों नहीं करते, बिकॉज इस तरह से सिगड़ी जिसमें कोल ऐड किया गया है जिसे हिंदी में कोयला कहते हैं, उसके सामने ग्लव पहनकर वो सर्जिकल ग्लव जो आती है वो वाला पहनकर या प्लास्टिक के कोई भी ग्लव पहनकर आप काम नहीं कर सकते हो बिकॉज जलने की डर रहती है। और यहाँ पर हम लोगों का बन रहा है मलाई कबाब। जी हाँ, आप देख सकते हो इनका सेटअप कितना अच्छा है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शन कबाब के मिले थे, सारे तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ आपको, तो एक का हम लोगों ने वीडियो वहाँ पर रिकॉर्ड किया है जो कि आपको आगे की वीडियो में दिखने को मिल जाएगा कि हम लोग क्या ट्राई किए थे। वैसे तो हम लोगों ने बहुत कुछ ट्राई किया था बट ट्रस्ट मी गाइस, कोलकाता की वेदर बहुत ज़्यादा गर्म, साथ में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए सिर्फ एक ही शूट हम लोग कर पाए हैं डिश की। ये मलाई मलाई क्या सो आ गया है, ये मलाई कबाब, ये कुछ इस तरह सा है, बाकी बैक कैमरा से दिखाएंगे। और ये रहे मेरे हस्बैंड, पहले ट्राई किए बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मेरे हस्बैंड बोले चलो लाओ पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ उसके बाद आप ट्राई करोगे, और इनको बहुत पसंद आया। इनफैक्ट ये कबाब लवर है, इनको कबाब वगैरह खाना चिकन का आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब करूँगी मैं ट्राई एंड या यहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ और मुझे डर लग रहा है कि ये मेरे ड्रेस पे ना गिर जाए, मैं इसी तरह ट्राई करती हूँ, सिली सिली हरकतें वगैरह भी मैं करते रहती हूँ। एंड या इट्स लोग घर आ गए और बाकी की डिटेल्स बताएंगे आपके जीजू, बताइए। फेस्टिवल 7 सितंबर तक अवेलेबल है और टाइमिंग है 10 AM till 10 PM। ओके, तो अगर आप कोलकाता से हो तो मस्ट विजिट। कैसा मजा आया था ना बेबी? बहुत मजा आया था और बहुत ही एंजॉयबल लग रहा था, वहाँ पर लाइव म्यूजिक एंड डांस भी होता है ना बेबी। yes. और कुछ बोलना आपको? नहीं। ओके, और बाय द वे वो देखिए मेरे बेट की हालत, हम लोगों ने किया भर भर के शॉपिंग। जी हाँ, कुछ अपने लिए और कुछ पेरेंट्स के लिए। या पेरेंट्स के लिए अपने। घर आने के बाद खुशी से मैं सह नहीं पाई, क्यों? बिकॉज मुझे आया था भर भर कर पीआर पैकेज, तो सारी पीआर पैकेज का यहाँ पर मैं करी अनबॉक्सिंग। पहले था बिलोरा पैलेस की तरफ से बहुत सारी कॉस्मेटिक, उसके बाद नेक्स्ट ब्रांड था कीरो। जी हाँ, ये एक मेरा ड्रीम ब्रांड था, इसकी तरफ से मुझे 2 ही प्रोडक्ट रिसीव हुए थे, बर्ड बर्ड बर्ड। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी मैं बता नहीं सकती हूँ बिकॉज ये एक मेरा ड्रीम ब्रांड था। बढ़ती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, नेक्स्ट पीआर मुझे रिसीव हुआ था एम कैफिन की तरफ से, जो कि अगेन मेरा स्किन केयर के लिए फेवरेट ब्रांड है। जी हाँ, बढ़ती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट केयर, अगेन माय फेवरेट ब्रांड बायोडर्मा। यहाँ बहुत सारी आपको फेवरेट ब्रांड मेरे देखने को मिल जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरा एक ही पर्टिकुलर फेवरेट ब्रांड है, बट यार ये सबको मैं बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बार और टॉवल मुझे रिसीव हुए थे, उसके बाद ये मुझे रिसीव हुए 2 प्रोडक्ट, और इसमें से एक मुझे रिसीव हुआ है ये नीम फेश वॉश और एक मुझे रिसीव हुआ है ये ऑयल शॉर्ट जो कि हेयर फॉल के लिए, इसका रील मैं बनाऊंगी, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप यहाँ पर फॉलो करो इंस्टाग्राम पे और वहाँ देखो। यहाँ पर मोहा की तरफ से भी अगेन मुझे कुछ प्रोडक्ट्स रिसीव हुआ था, एजिंग क्रीम, सोप, शावर जेल, ऑयल एंड ऑल। या उसके बाद लास्टली यहाँ बेरिनिक कॉस्मेटिक की तरफ से मुझे 2 हेयर प्रोडक्ट्स रिसीव होते हैं, जवान इज शैम्पू एंड द अनदर वन इज कंडीशनर। ट्रस्ट मी ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है।
का ब्लॉग हम लोग यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये वाली ब्लॉग अच्छी लगी और ज़रूर ज़रूर कमेंट करना कि आपको ये ब्लॉग में क्या अच्छी लगी या नहीं पसंद आई। तो आज का ब्लॉग यही एंड होता है, टिल देन बाय गाइस।